हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिनय ऑटो व्लॉग्स। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं मारुति सुजुकी एस्प्रेसो के बारे में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा इसकी इंटीरियर इमेजेस जो कि रिवील हो गई हैं। कल मैंने आपको इसी चैनल के ऊपर दिखाया थी इसकी एक्सटीरियर इमेजेस जो कि शोरूम में कैप्चर हुई हैं। सो गाइस, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली मैं आप लोगों के साथ कार से रिलेटेड न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजंस एंड वॉक अराउंड वीडियोज़ शेयर करता रहता हूँ। सो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है VXi प्लस वेरिएंट की, जो कि है टॉप मोस्ट वेरिएंट एस्प्रेसो का। सो जो चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और जो फीचर्स आपको मिलते हैं वो मिलते हैं, आप सबसे पहले नोटिस करेंगे कि जो कैबिन है वो आपको ऑल ब्लैक कैबिन मिल जाएगा, बट ऑरेंज इंसर्ट्स और एलिमेंट्स आप कह सकते हैं वो आपको डैशबोर्ड पे और एसी वेंट्स के ऊपर मिल जाएंगे। वहीं आपको लेदर पैटर्न में स्टिचिंग मिल जाएगी सीट्स के ऊपर, जो कि आप देख सकते हैं फैब्रिक सीट्स आपको मिलते हैं, लेदर अपहोल्स्ट्रीज के अंदर अवेलेबल नहीं होती है। वहीं नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं फ्रंट और बैक सीट्स दोनों पर ही, इमेजेस में आपको दिखा रहा हूँ। सेंट्रली माउंटेड आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जो मीटर है स्पीडोमीटर वो आपको सेंट्रली प्लेस्ड मिल जाएगा इमेजेस में आप देख रहे हैं। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको इमेजेस कैसी लग रही हैं और आपका एस्प्रेसो के लिए क्या कहना है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के नीचे ही आपको 7 इंचेस के टचस्क्रीन सिस्टम मिल जाता है विद मारुति स्मार्ट प्ले स्टूडियो सपोर्टेड बाय एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। सो ये आपको जो फीचर है एस्प्रेसो के अंदर टॉप मोस्ट वेरिएंट के अंदर, ये आपको ज़रूर मिल जाता है। वहीं डुअल एयरबैग्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं एज अ सेफ्टी फीचर्स। USB एंड 12 वोल्ट का पावर आउटलेट का स्विच आपको इसके अंदर मिल जाता है। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एड ऑन मिल जाते हैं। फ्रंट पावर विंडोज़ आपको मिल जाती हैं, रियर में आपको फिर भी पावर विंडोज़ नहीं मिलेंगी अगर आप VXi प्लस भी परचेस करते हैं। सेंट्रली माउंटेड आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, एज वेल एज आपको जो डोर पॉकेट्स है वो आपको फ्रंट में ही मिलेंगी ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। रियर सीट्स आपको फोल्ड ऑन मिल जाएंगे, जो कि आप फोल्ड कर सकते हैं अगर आपको बूट और भी ज़्यादा एक्सेस करना है, अगर आपको बूट स्पेस और चाहिए तो आप इसकी जो सीट्स हैं वो आप फोल्ड कर देते हैं, जो कि मारुति की एक USP है। वहीं अगर मैं बात करूं इसके और एड ऑन फीचर्स की, तो वॉइस रिकॉग्निशन जो सिस्टम है, वॉइस रिकॉग्निशन आपको इसके अंदर मिल जाएगा, जिससे आप अपने स्मार्ट प्ले जो स्टूडियो है उसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर बात करूं इसके इंजन की, तो इंजन आपको वही से मिलने वाला है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था, 1.0 लीटर का 67 BHP जनरेट करने वाला पेट्रोल इंजन मिलेगा 3 सिलेंडर वाला। सो गाइज़, ये थी कुछ ओवरऑल वीडियो एस्प्रेसो के इंटीरियर को टोटली रिवील करती हुई। यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है जो मैंने कल एक्सटीरियर को रिवील करते हुए बनाई है, और आज आपके साथ मैंने इंटीरियर की जो वीडियो है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। बाकी अगर आपको एस्प्रेसो की वॉक अराउंड वीडियो भी चाहिए, कंपैरिजन रिव्यूज़ चाहिए, तो चैनल को आप अब भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोगों तक नोटिफिकेशंस पहुँच पाएंगे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।